नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं महत्वपूर्ण रिपोर्ट। दोस्तों, सावन और भादों के महीने में बरसात खूब होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, पत्ते पत्ते में स्फूर्ति और आनंद का एहसास होता है। इसी दौरान कई आस्था और धार्मिक समारोह के साथ साथ प्रकृति में मौजूद हर जीव जंतु के अंदर विष की मात्रा बढ़ जाती है, जीवों में रक्त प्रवाह तेज होने लगता है। वहीं कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रकृति की संरचना में श्रृंगार का काम करते हैं, उन्हीं में से एक जीव का नाम है सांप। दोस्तों, सांप के नाम से लोग देखते ही आतंकित हो उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं। इनके बारे में कई फिल्मों और कहानियों में इन्हें खतरनाक और बदला लेने वाला दर्शाया गया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ मनुष्य जातियाँ जैसे सपेरे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सांपों को खतरनाक बताते थे। कई मिथक और भ्रांतियाँ भ्रम के साथ फैलाई जाती थी कि सांप के जहर से सूरमा बनता है, हड्डियों से कई दवाइयाँ बनती हैं और धीरे धीरे ये जीव विलुप्ति की कगार पर पहुँच गए। या तो इनका अंधाधुंध शिकार होने लगा या भयभीत होकर के लोग इन्हें मारने लगे, जबकि सब कुछ इसके विपरीत था। 500 से अधिक प्रजातियों में से केवल 4 प्रकार की प्रजातियाँ जहरीली हैं, कोबरा, करैत, रैटल स्नेक और पिट पाइपर। कोबरा फुसकार करके अपनी मौजूदगी बता देता है, करैत काला होता है और ऊपर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। रैटल स्नेक भी अपने पूंछ पर लगे झुंझने से शोर मचाता है, जिससे उसकी मौजूदगी का पता लग जाता है। वैसे ही वाइपर स्नेक भी खतरनाक होता है, जहरीला होता है, इससे बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। यह ज़्यादातर रेतीले भूभाग में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सांप हैं, लगभग 500 प्रजातियों में से 4 जहरीले हैं, बाकी अकारण ही मार दिए जाते हैं। दोस्तों, सांपों को सुनाई नहीं देता, इसलिए बीन की आवाज़ पर वह नहीं नाचता। सांपों को बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन रक्त वाहिकाओं में मौजूद गर्म खून को वह भांप जाता है और उसके सामने एक छवि बन जाती है, जिसकी वजह से कोबरा स्नेक उस छवि को देख करके सिर हिलाता है। वह उसे अपना शिकार समझकर उस पर डंक मारने की कोशिश करता है। यह कारण ही किसी को नहीं काटता, बशर्ते उसके शरीर पर पैर ना पड़ जाए अथवा उसके साथ छेड़खानी ना करें या मारने की कोशिश करने पर यह जीव काटते हैं। दोस्तों, रेड स्नेक जैसे सांप किसान के वास्तव में बहुत बड़े मित्र होते हैं। यह कई क्विंटल गेहूं को बचाते हैं, इसलिए रेड स्नेक जैसा जीव और दूसरा नहीं है, इसे नहीं मारना चाहिए। आपके आसपास में अगर कोई इस तरह का जीव दिखाई देता है तो आप वन्य जीव विभाग को सूचित करें। रेड स्नेक बिल्कुल जहरीला नहीं होता, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसे बड़ा और शक्तिशाली समझ करके मार डालते हैं। स्थानीय भाषा में इसको धामिन कहा जाता है। वन्य जीवों के लिए और उनको बचाने के लिए सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही इमरजेंसी रिलीफ टीम नेटवर्क एक मुहिम है जो वन्य जीवों को बचाती है, चाहे वह गोह है, गोहिरा है, सांप है, कोई भी ऐसा जानवर है जिसे आपको देखते ही खतरा लगे और आप मारने की कोशिश करें, आप तुरंत वन्य जीव विभाग को सूचित करें और ERTN की सहायता लें। संस्था की तरफ से यह 24 घंटे फ्री सेवा दी जाती है। वन्य जीव विभाग के साथ मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी से भी निवेदन है कि आप किसी भी जीव को न मारें और तुरंत वन्य जीव विभाग को कॉल करें। नीचे स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। दोस्तों, पल पल टीम की ओर से भी आप लोगों को एक हिदायत दी जाती है, चेतावनी दी जाती है कि आप इस तरह के वीडियो देख करके इन जीवों को पकड़ने की कोशिश न करें, मारे नहीं, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप केवल और केवल वन्य जीव विभाग से ही संपर्क करें, वे आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं और सहयोग करते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। एक मिनट फोटो भेज ले भाई, हमने देख लिया तेरे से अपने पंगे। तगड़ी चीज़ है तो उसी का फोन आया था मेरे पास। हाँ, पहले मनी का नंबर था मेरे पास, फिर मैं मेरे बच्चे का था, मैं उसी को कर दिया।
ये पता क्या है, ये जीव जल्दी से हमला नहीं करते किसी के ऊपर, आराम से इसको मतलब रेस्क्यू किया जा सकता है। तभी तो लेकिन लोगों को पता नहीं होता, अपनी जान बचाने के लिए तो बेचारा कुछ करेंगे ही। हाँ, लोग मारने के लिए ना, हाँ जी हाँ जी, जल्दी करते हैं। तभी तो हमने छेड़ा नहीं इसको ज्यादा। खासियत ये है कि ये एक विलुप्त होने की कगार पे है, और आज नहीं तो कल आने वाले समय में ये जीव ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादातर कोबरा के बारे में ये कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के गले में विराजमान रहते हैं, लेकिन ये तर्क है और हम ग्रंथों में या शिव पुराण में और भी जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं बहुत सारी इनके बारे में, और ग्रंथ कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इसके बारे में जिक्र किया गया है और भगवान शंकर के साथ इनको जोड़ा हुआ है, लेकिन उसका जुड़ाव इसलिए है कि इनका संरक्षण हो सके। आप इस तरह के जीव को बिल्कुल न मारें, आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप वन्य जीव विभाग को सूचित कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ जो है आपको इसके बारे में गूगल पर मिल जाएंगी। ये जल्दी से काटते नहीं हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ही आप इसके नज़दीक से जाएंगे ये फुसकार के आवाज़ करता है और तुरंत सचेत कर देता है कि आप मेरे से दूर रहें, मेरी यहाँ पर मौजूदगी है। तो इसको दोस्तों हम छोड़ने जा रहे हैं, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। कोबरा है, ख़तरनाक होता है, जहरीला होता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये जल्दी से किसी को नहीं काटते हैं, बशर्ते आप इसके ऊपर पैर ना रखें और इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। वन्य जीव विभाग को फ़ोन करें या हमारी टीम की हेल्प लें। अभी हम इसको छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये रेड स्नैक है दोस्तों, ये था रेड स्नैक जो कि बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि रेड स्नैक इसका मतलब होता है चूहे वाला सांप। ये चूहे खाता है, 1% भी जहरीला नहीं होता, बल्कि बहुत अच्छा है किसानों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो अनाज खाने वाले चूहे होते हैं, आपको पता है 300 किलोग्राम एक वर्ष के अंदर एक चूहा अनाज खा जाता है खेतों से, और आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर सैकड़ों चूहों के बिल होते हैं खेतों के अंदर, तो कितना अनाज वह अपने भूमिगत लेकर के चला जाता है। लेकिन ये उन पर कंट्रोल रखता है, और आप हमेशा ध्यान रखें, बल्कि ये खेतों के अंदर होने चाहिए। दोस्तों ये किल बैक स्नैक है जो कि जहरीला नहीं होता, आप इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, दलदली इलाकों के अंदर पाया जाता है ज़्यादातर। हम लोगों का इन जीवों को बचाने का एक संकल्प है, हम इन्हें मारने नहीं देते, और आप भी अपने आसपास में अगर कहीं इस तरह से स्नैक दिखाई देते हैं तो उन्हें मारिए नहीं, बल्कि हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है ERTN एमरजेंसी रिलीफ टीम नेटवर्क है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा आप वन्य जीव विभाग को भी फ़ोन कर सकते हैं।